अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ आवर लेक्चर नंबर 6 A to Z। सारी हमने पीछे आपको बताइए तो बड़े आराम से बच्चों ने की हुई है। ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए पेश करवाया गया है और बिल्कुल लाइंस को फॉलो करते हुए ए बी सी लिखनी है। लाइक ए है तो ए हमने फर्स्ट 3 लाइंस में लिखना है और स्मॉलेस्ट सेकेंड दूसरी वाली सेंटर वाली 2 लाइन्स। इस तरीके से बिल्कुल हमने फॉलो करते हुए इस वाले पेज को करना है, ए टू जेड तक बच्चों ने लिखना है, ठीक है। और साथ तो उनका फोनिक्स के जरिए पढ़ाई है कभी। नेक्स्ट पेज में लेट्स डैब द एडवर्ड्स। देर आर 7 एडवर्ड्स, डायरेक्शन कलर ऑल द एडवर्ड्स। एडवर्ड्स को हमने क्या करना है, कलर करना है। एडवर्ड्स को क्या करना है, कलर्स करना है। लाइक हमारे पास ये देखेंगे सी एच ई कैट, तो हम इसको कलर कर देंगे। लाइक फैट, हम इसको कलर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये प्लीज़ ये बच्चे खुद करेंगे, हम सिर्फ इनको गाइड करेंगे कि आपने एडवर्ड्स को कलर करना है। बच्चों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए एडवर्ड्स पे कि वो खुद एडवर्ड्स ढूंढें और कलर करें। रैट, मैट, बैट, पैट, जितने भी एडवर्ड्स हैं उन सबको कलर करना है। देखिए नेक्स्ट पेज भी उन्होंने क्या कहा है आपको, लुक एट द पिक्चर, सर्कल द करेक्ट वर्ड, राइट द वर्ड ऑन द लाइन। अब जो पिक बनी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे उन्होंने कुछ वो दे दिए हैं वर्ड्स, जिसको आपने देखते हुए नीचे कैट सेट हैट दे दिया। अब आपने इस करेक्ट वर्ड के पिक्चर को देख के करेक्ट वर्ड जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है। कैट है तो कैट सेट हैट हम क्या लिखेंगे, कैट, क्योंकि ये कैट है। अब यहाँ पे हम ये क्या है, रैट, माय पैट रैट, तो क्या करेक्ट है, रैट लिखेंगे। मैट वैट एट, क्या है ये, वैट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैट। बैट सी सेट, क्या है यहाँ पे, ये क्या है, बैट, तो हम यहाँ पे बैट लिखेंगे। मैट सेट हैट, क्या है ये, हैट। अब ये बताएं सर मुझे, मैट बैट द, क्या है ये, मैट, वेलकम डॉर मैट। ये सेट रैट कैट, अब ये बैठा हुआ तो इसका मतलब है ना, ये रैट है तो ना ये कैट है, ये बैठा हुआ तो सेट। पैट रैट फैट, ये पैट भी नहीं है और रैट भी नहीं और ये क्या है, फैट। ओके okay?